जिला कांगड़ा के एसपी संतोष पटियाल के दिशा निर्देशानुसार हर जगह पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, लेकिन ज्वाली उपमंडल में नशे के खिलाफ अभियान टाएं टाएं ठूस दिखता नजर आ रहा है। उपमंडल ज्वाली के अधीन दो दर्जन सड़कों के किनारे रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द स्कूल, अस्पताल, बस अड्डा, पुलिस थाना, इन सभी जगहों पर कुल मिलाकर सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर हरी हरी अवैध रूप से उगी भांग युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और नशे के आदि बना रही है। आपको बता दें कि हर पुलिस थाना में भांग उखाड़ो आंदोलन चलता है, लेकिन ज्वाली पुलिस प्रशासन इस आंदोलन से बेखबर दिख रहा है, जिसका नतीजा आने वाली युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जाती नजर आ रही है। ज्यादातर स्कूली छात्र, कॉलेज के छात्र व आईटीआई छात्र घंटों तक इस भांग को अपने हाथों से मलकर खुद नशे कर रहे हैं और कुछ लोगों ने हाथ से मलकर भांग को बेचने का धंधा बना लिया है। उधर बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को व स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को मिलकर इस भांग को उखाड़ने का अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी इस नशे में ना डूबे और जिससे कई लोगों के घर बर्बाद होने से बच सके। वहीं इस संबंध में एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर और कुछ सोशल वर्करों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन भांग उखाड़ो अभियान चलाएंगे, जिसके शीघ्र ही पुलिस थाना और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और शीघ्र ही कार्रवाई होगी। ज्वाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट।